in fact ashwara and i used to sit together and talk and chat after that because that time she also had not become so big though she was miss uh, world aaj ma'am ka blush on zara zyada hua hai lipstick ka color change hua hai check karo aur ye ek jenny my hairdresser, is saying unka jo hairstyle hai wo bouffant is a little higher than it is normally please check मेरा क्लोजअप में मैं बहुत मेरा फेस बहुत थका हुआ लग रहा था स्वोलन सा लग रहा था थका हुआ सा लग रहा था says, I can't take your close up. हम दिल दे चुके सनम के बारे में अभी क्या बताऊँ मैं आपको आपकी सभी को मालूम है वो पिक्चर कितनी खूबसूरत कितनी प्यारी कितनी स्वीट आज भी जब लोग देखते हैं फिर भी वो नोस्टैल्जिक हो जाते हैं उस पिक्चर को देख के एंड देर आई हैव टू थैंक संजय लीला भंसाली फॉर गिविंग मी दिस रूल बिकॉज अगेन आई वॉज न्यू ही वुड प्रॉब्ली नॉट नो हाउ वॉट एम केपेबल ऑफ डूइंग फिर भी उनको ऐसे लगा कि मैं शायद खड़ी उतरूँगी उस पिक्चर के लिए तो मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है मैं एक चीज़ संजय जी के बारे में ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगी यू नो व्हेन आई वाज कास्ट फॉर द रोल तब मेरा फोटो सेशन वगैरह हो गया था वो जो पहले कभी नहीं हुआ था ना उसके बाद भी इतना हुआ फ़ोटो सेशन में कैसे दिखती हूँ क्या साड़ी पहनूँगी कौन सा कलर ये वो फिर मेरे लिए uh, एक पंद्रह बीस साड़ियाँ ला रखी थी उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि इसमें से तुमको कौन सी साड़ी अच्छी लगती है चूज करो इत इतना भाव या इतना इतनी अहमियत मुझे किसी ने नहीं, नहीं दी थी आई वॉज फीलिंग सो इलेटेड एंड सो नाइस डे आई लाइक दिस दिस कलर हर एक एक प्रेफरेंसेज होते हैं ना कलर्स के देन यू सेड कि दिस इज योर इंट्रोडक्शन सीन जहाँ पे वो आती हूँ ना देवदास देव आ रहा है देवा आ रहा है करके भाग के वो वो शॉट इट वॉज इट इज़ अ ट्वेल्व मिनट शॉट हैंडल्ड कैमरा पूरा एक दिन हमने उसकी रिहर्सल की विद हैंडल कैमरा एंड मजेदार बात है कि वो पूरा सेट एक्सपोज हो जाता है पूरे कैरेक्टर्स जो फिल्म में है वो एक्सपोज हो जाते हैं एक शॉट में इट्स अ हैंडल कैमरा इट्स अ ट्वेल्व मिनट शॉर्ट एम रनिंग ऑल द वे कैमरा इसको टेक करता है उसको छोड़ता है उसको लेता है उसको छोड़ता है कर करके कर करके आई एंड अप इन दैट लास्ट रूम वेयर आई हश द पियानो ट्वेल्व मिनट ऑफ दैट रनिंग सो मेनी टाइम्स Then he said, we will not shoot today. You all rest, go home. Next day with fresh makeup. Twice we did a run again once, and the third was a take and it was the first time take, done. So इतना कोई director uh, अपने actors के बारे में सोचता है कि अभी थक जाएंगे, इनको break देना चाहिए, you know take the talk uh, uh, shot fresh. वो सारी चीजें मेरे लिए it was overwhelming for me.

इन दन इवनिंग दिस वॉज द इवनिंग शॉट नाइट शॉट वहाँ पे तो लॉन्ग शॉट्स वगैरह हो गए फिर मेरा क्लोजअप अप लगाया उन्होंने मेरा क्लोजअप में मैं बहुत मेरा फेस बहुत थका हुआ लग रहा था स्वोलन सा लग रहा था थका हुआ सा लग रहा था इस स्वीता आई कान टेक योर क्लोजअप विल टेक योर क्लोजअप अप टुमारो वेन यू कम ऑन द सेट बट आज हम uh, तुम्हारा पैकअप है तुम जाओ रेस्ट करो कल देखेंगे सो so, अभी मेरे लिए डायरेक्टर बोलता है कि इसका क्लोजअप नहीं करेंगे एस अ इट डजेंट हैपन फॉर अ कैरेक्टर आर्टिस्ट बट ही एवरीबॉडी नोज आवर संजय मंसाली इज सो पर्टिक्यूलर अबाउट एवरी लिटिल थिंग यू कैन टेल फ्रॉम इज फिल्म तो इतनी सी चीज इतनी सारी चीज़ें उनके बापरेट मीन आई ऑलमोस्ट इज एंड माई आईज वन ही इतना ख्याल कोई नहीं रखता है अ नदर अमेजिंग थिंग दैट कैसे कितनी माइन्यूट डिटेलिंग उनके दिमाग में रहती है We were doing that, पतंग का गाना यू नो दैट वाला गाना वो ऑलमोस्ट टेन डेज चला वो गाना बिकॉज इट वॉज अ डे टाइम सॉन्ग एंड चार बजे के बाद में यू कैन टेक वेन द सन इज डाउन सो वी वेरी लिमिटेड आवर्स ऑफ डूइंगेज तो एक बार जब मैं मेकअप करके uh, गई ऊपर तो मेरे uh, मेकअप मैन को और uh, हेयर ड्रेसर को बुलाया उन्होंने कहा फिरोज़ आज मैम का ब्लश ऑन जरा ज़्यादा हुआ है लिपस्टिक का कलर चेंज हुआ है चेक करो और ये एक जेनी माई हेड सर उनका जो हेयर स्टाइल है वो बूफा इज अ लिटिल हायर देन इट इज नॉर्मली प्लीज़ चेक टेक द फोटोग्राफ्स और सी द सीन्स जब पहले किए थे एंड करेक्टेड है मतलब मैंने भी ये नोटिस नहीं किया था हालांकि मैं रोज़ अपने आप को देखती थी हमने भी ये नोटिस नहीं किया वो आई गॉड वॉट काइंड ऑफ ऑब्जरवेशन इज दिस यू नो सो इज अमेजिंग हैथ सॉफ्ट टू हिम आई मीन आई लव वर्किंग इन हिस्स फिल्म एंड हिन्स फोर भी मुझे कोई भी रोल दे में इतना एक मिनट का भी हो तो भी मैं करूँगी कभी इनका नहीं करूँगी बिकॉज इट्स इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस वर्किंग विथ संजय लीला वंसाली इट इज वंडरफुल एब्सोल्यूटली सी एल टेल यू वन थिंग एक्टर अ वेरी सेल्फिश कोई भी एक्टर दूसरे एक्टर को अननेसेसरीली अनव नहीं करता है कुछ अगर वो करे तो सामने वाला बौखला जाएगा और हमारा ही सीन खराब हो जाता है

And I don't know if you all remember Jula uh, Wala scene, or ashwarya. That scene day a very was And he told uh, Ash and me, Y'all wait, we have to choreograph that scene. So she's talking of something else, I'm talking of something else, I'm picking the tail of her sentence and I'm starting off somewhere. She's picking up the tail of my sentence. So we were both on a different tangent. And the way that whole scene was choreographed.

और एक दूसरा मैं ऐश्वर्या के घर पे जाती हूँ ससुराल में उसके और तब उसने कुछ मंगलसूत्र नहीं पहना है ना टीका है ना मांग मांगने सिदूर है ना कुछ है ऐसी बैठी है एंड मैं उसको बोलती हूँ तुमको समझ में नहीं आता ये काले मोतियों की अहमियत क्या है ये वो कुछ 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 एंड फ्रॉम दैट एंड हदर मदर मदर इन लॉ इज़ कमिंग अप आई सी द मदर इन लॉ एंड सडनली दिस सीरियस कॉन्वर्सेशन आई जस्ट स्टार्ट लाफिंग सडनली इट्स अ चेंज ओवर कंप्लीटली ऑफ दैट कैरेक्टर सो ना दीज सीन्स एक्चुअली अगर नॉर्मली शूट किया जाए तो नॉर्मली कोई भी को शूट करता है तो उसकी अहमियत तो उतनी पता भी नहीं चलेगी बट द वे संजय जी कोरियोग्राफ्स अ सीन यू नो ही वो इतना उठाते हैं उस सीन को अगर ये सीन मेरा है तो मुझे उसका इम्पोर्टेंस मिलेगा ही इवन इफ इट इज़ ऐश्वर्या और सलमान ऑन ओवर सामने तो ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है हीरो Hero, हीरोइन तो दिखते ही हैं वो तो है ही ऑल ओवर द फिल्म बट हमारे जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट भी पहचाने जाना इज द

आईव यही रास्ते हैं प्यार के सो देर आई वॉज प्लेइंग माधुरी माधुरी इज मदर सो आई वॉज फीलिंग ग्रेट दैट आई वॉज प्लेइंग दैट ब्यूटी इज मदर आई फील वाह व मदर ऐश्वर्या इज मदर वाह क्या वादर